यमकेश्वर के इस इलाके में जो कि लक्ष्मण झूला से गुमखाल जो मोटर मार्ग जाता है उस पे भूमाफिया काफी सक्रिय हो गया है, और इसका कारण है कि जो सड़क आप देख रहे हैं जो कि ये जा रही है नीचे, ये सिंगटाली के पास नीचे नेशनल हाईवे पे जो बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पे है उस पर जुड़ेगी, क्योंकि वहां पे एक पुल प्रस्तावित है। यहाँ पर भूमाफिया काफी सक्रिय है और यहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाने के लिए आश्रम बनाने के नाम पे यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है, यहाँ पे जमीनों को बेचा जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं, और इनके यहाँ आने से जो ये अभी सड़क का जो निर्माण पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन के द्वारा किया जा रहा था उसके जो पुस्तें हैं वो भी यहाँ पे टूट गए हैं। ग्रामीण लगातार जिलाधिकारी पौड़ी और पीडब्ल्यूडी के जो अधिशासी अभियंता हैं उनसे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अवैध खनन का काम कर रहे हैं या जमीन को यहाँ पे डेवलप करने का काम कर रहे हैं वो ग्रामीणों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसका नोटखाल नाम मोटर मार्ग, अरे यहाँ पे पोकलैंड और जेसीबी मशीन तो आ रखी है, तो ये क्या काम कर रही है यहाँ पर? ये तो ये प्राइवेट है इनका यहाँ पर, तो ये सड़क का काम कर रही है कुछ और काम? नहीं, सड़क का नहीं, इनका प्राइवेट है यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, नोटखाल नान मोटर मार्ग। कितने किलोमीटर है ये? सर 7 किलोमीटर। ये इसमें जो पुस्ते टूटे हुए हैं क्यों टूटे होंगे? सर ये आजकल यहाँ पे जो काम चल रहा है इसमें जो भारी डंपर आ रहे हैं, पॉपलेन आ रहे हैं, इसकी वजह ये भी हो सकती है। कब से है यहाँ पे? इनको हो गया 3-4 महीने हो गया, लेकिन पुस्ता टूटे हुए करीबन 1 महीना होने वाला है। अच्छा, तो ये लोग यहाँ पे क्यों लाते हैं इनको, जेसीबी पोकलैंड को? इनका यहाँ पे काम चल रहा है सर, ये आपके सामने है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की थी विभाग को कि आप ये सड़कें ठीक कर दीजिए, यहाँ पे बीमार हो जाता है रात को? सर विभाग में की थी, फिर उन्होंने बोला कि डीएम कार्यालय में करो, फिर आपदा में कराएंगे। विधायक को भी किया था, सांसद जी को किया, सबको किया। मतलब पुस्ते टूटे हुए हैं जगह जगह से, तो ये पुस्ते कैसे टूट गए, कब से बंद है सड़क? सर जब से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से आई हैं, जो काम चल रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियां ला रहे हैं, इससे वो रोड थोड़ी कच्ची हो गई, ऊपर से ढीले पड़ गए और बरसात होने से वो टूट गए। आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? जैसे मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो आप। सर हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, चार ये कम से कम 7-8 किलोमीटर तो गांव से पैदल आना पड़ता है, जब कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई में लाना पड़ता है या कुर्सी में लाना पड़ता है, काफी दिक्कतें हो रही है। कब से है समस्या ये? कब से? ये इनका जो काम चल रहा है जो मई जून से चल रहा है, और यहाँ पर जो पुस्ता टूटा है तो उसको 1.5 महीने लगभग हो गया। मैं उठा चला 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 लगा ना क्या यार तेरा डर मेरा विकास चंद्रा पूरा नाम बोल दो। तुम्हारी उम्र क्या? अभी उम्र कितनी है? मोतीलाल रावत। मोतीलाल रावत, मोतीलाल आप कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल के। नेपाल के, यहाँ पे जो काम कर रहे हो कितना टाइम से काम हो रहा है यहाँ पे? अभी मैं तो 1 महीने हुआ, 1 महीने 35 दिन हो
गया, 35 दिन हो गया। 35 दिन से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। ये पत्थर कटिंग का काम, पत्थर कटिंग कौन कर रहा है यहाँ पे? कटिंग तो कभी हम लोग गिराते हैं, कभी उधर मशीन गिरा है, इधर हम लोग गिरा, इधर लोग गिरा, उधर। कहाँ कहाँ पे मशीन गिरा है? जो आप मेरे सामने फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे कितने दिन तक मशीन चलती है? ये मशीन कभी चलता है, कभी वो खराब हो जाता है। अच्छा, और ये जो बड़ा मशीन एक वहाँ रखा हुआ है, उसका क्या है? वो तो हम लोग आए तब चला नहीं था, इधर ये बन रहा है, पहले चला होगा। पहले चला होगा, जो पहले आदमी था वो बताया था चला था, पहले चला होगा, जब हम आए तब से बन रहे हैं। बेटा क्या नाम है? दिल्ली। उम्र कितनी है? 15। यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? 1 महीना। दिहाड़ी कितनी मिलती है? 350। मैं यहाँ की जो विधायक हैं रितु खंडूरी और पौड़ी के जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पौड़ी जनपद के इस इलाके में जो जिला प्रशासन है उसको वो सक्रिय करें कि इस इंटीरियर इलाके में बाहर से जो भूमाफिया है, जो रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, वो इतना सक्रिय न हो जाएं कि यहाँ के ग्रामीणों की भूमि को औने पौने दाम पर खरीद कर एक दिन ये स्थिति पैदा कर दें कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए रहने के लिए ही जगह न बचे। जागो उत्तराखंड के लिए यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।